देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके से पानी चालू रखना है, लाइट आपको चालू रख, उसके बाद आपको ये ऊपर का इसको खोलना है। इसे खोलने के बाद आपको इसमें कपड़े डालने हैं। ये आपका इधर है कि ये फिल्टर है, इसको इस तरीके से प्रेस करना है, इस तरीके से खुल जाएगा। क्लीन करने के बाद आप इसको सिंपली इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। इसे लगाने के बाद ये आपके जो कपड़े का लेवल है, ये फिल्टर से आप इतना ऊपर रखना, इससे ज़्यादा आप कपड़े नहीं करना, ठीक है, जो लेवल रहता है। तो कपड़े डालने के बाद आपने इसे कपड़े लोड करी है, कपड़े डालने के बाद आपको इसमें सर्फ डालना है। जिस सेक्शन में आपका सर्फ जाएगा, यहाँ पर आपका सर्फ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो लिक्विड है, जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है ना, सॉफ्टनर, ठीक है, ड्राई एंड लिक्विड। तो सर्फ डालने के बाद आप सिंपली इसको इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद आप इसको इस तरीके से डाउन कर देंगे। डाउन इसको ऑटोमेटिक होने देना है, आपको पावर से प्रेस नहीं करना है, ठीक है। धीरे धीरे कांच की तरीके हाइड्रोनिक गेम। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पावर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपकी मशीन में पावर आ जाएगा, ठीक है। पावर आने के बाद आपको यहाँ से, ये आपका साइकिल मोड, ठीक है, साइकिल। तो साइकिल में देखिए, पहला है आपका नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल जो डेली वॉश रहेगा वो तो आपका नॉर्मल पे चलेगा, ठीक है, जो कि सारे मिक्स कपड़े हैं आपके, तो आप नॉर्मल पे करके सीधा स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर देंगे तो मशीन ऑटोमेटिक सेंस करके आपको यहाँ पे टाइम दे देगी कि कितने मिनट में आपका वॉश, रिंग्स एंड स्पिन कंप्लीट होगा, क्लियर, ठीक। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि वॉश के बाद जो साइकिल चेंज करना है, तो ये साइकिल अपन बटन दबाएंगे तो ये आ गया, देखिए, सुपर क्लीन। सुपर क्लीन हो गया, ये उससे थोड़ा बेहतर हो गया। अगर आपके कपड़े थोड़े गंदे ज़्यादा हैं, आप थोड़ी बेहतर वॉश चाहते हैं, तो आप सुपर क्लीन पर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्विक वॉश। क्विक वॉश में क्या करेगा जी, जैसे मान लीजिए आपके कम कपड़े हैं, 4, 5, 6 कपड़े हैं, तो क्विक वॉश में कम कपड़े हैं तो आपके कम से कम टाइम में वॉश कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आता है डेलिकेट, जो कि साड़ियों के लिए होता है, ठीक है। एक्वा रिजर्व, एक्वा रिजर्व में क्या करेगा जी, एक्वा रिजर्व में आपका पानी जब वॉश और रिंग्स होने के बाद जो स्पिन रहता है आपका, देखिए स्पिन, इसमें स्पिन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपके कपड़े ऐसे हैं जिसमें रेशे निकलते हैं, तो वो आप एक्वा रिजर्व में डाल देना, तो ये वॉश रिंग्स करेगा, स्पिन नहीं करेगा, जैसे कि एयर बबल नहीं बनेंगे, तो रेशे नहीं देगा कपड़े, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं जींस पे, या जींस पे, ठीक है। जींस पे आने के बाद ये अपने जींस के कपड़े जो हैं, अगर जींस ही जींस अकेले हैं तो आप जींस पे कर देंगे, ठीक है। एनर्जी सेविंग, एनर्जी सेविंग में क्या करेगी, लाइट की बचत करेगा, ठीक है, एनर्जी सेव करके चलेगा। इसके बाद आता है रिंग्स प्लस स्पिन, सिर्फ ड्राई क्लीन करना है आपको, तो इसमें क्या करेगा जी, खगा लेगा और निचोड़ देगा। इसके बाद आता है इको टप क्लीन। इको टप क्लीन इसलिए होता है कि मशीन की सर्विसिंग के लिए, 6 महीने में एक बार आपको इसकी सर्विसिंग करनी है। ऑनलाइन आपको वर्लपूल का क्लीनिंग पाउडर मिल जाएगा, स्केल पाउडर, आपको सिंपली उससे क्लीन करना है, ठीक है। 6 महीने में एक बार पाउडर डाल के सीधा आपको इको टप क्लीन पे चलना है, करीब 2 घंटे के करीब चलेगी, इसमें आपकी मशीन क्लीन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इधर की साइड, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से ये नॉर्मल पे कर दिया, नॉर्मल पे करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको बता रहा है डेली एंड। डेली एंड का मतलब ये होता है कि आप इसमें टाइम लगा सकते हैं कि रात, जैसे रात में आपको 3 घंटे पानी आ रहा है, तो इसमें टाइम लगा देंगे कि 3 घंटे 4 घंटे बाद इतने टाइम पर स्टार्ट कर देंगे, तो वो टाइमिंग माइनस होती रहेगी, उतने घंटे बाद आपकी मशीन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, ठीक है। डीप सॉफ्टनर, डीप सॉफ्टनर जब आप सॉफ्टनर से वॉश करोगे तो डीप सॉफ्टनर कर देंगे क्लीन। इसके बाद आता है ये वाटर लेवल ऑटोमेटिक रहेगा, ऑटो फिल, बाकी आप मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बता रहा है वॉश टाइम, वॉश टाइम जैसे आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आप इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं मैनुअली। रिंग्स एक बार करेगा, आपको 2 बार चाहिए कि एक बार में सर्फ नहीं निकलता है, तो आप 2 बार कर देंगे। यहाँ से ये स्पिन, स्पिन आपको ज़्यादा करना है, जैसे कि धूप कम निकलती है तो आप स्पिन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये इसमें प्री वॉश, इंटाइजेब वॉश, इसे आप वॉश कर देंगे तो इसमें आपके कपड़े में क्या होगी, सिकुड़न कम आएगी और थोड़ा बेहतर वॉश होगा, ठीक है। इसके बाद आता है मॉनसून, मॉनसून में क्या करेगा, मॉनसून में जो ज़्यादा ड्राई कर देगा, जिससे कि आपका कपड़ा जल्दी सूखे, ठीक है। तो इतना करके आपको चाहिए एक्स्ट्रा में, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको ओनली स्पिन करना है, तो पावर किया, पावर करने के बाद ओनली यहाँ से आपको स्पिन करना है, इसको आप इस तरीके से बंद कर देंगे, इसको भी आप इस तरीके से बंद करेंगे, तो बॉस और रिंग्स अपन ने बंद कर दिया, ओनली स्पिन चलेगा, ठीक है। स्पिन आपने ये सीधा स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये प्रोसेस ओनली स्पिन, 19 मिनट बता रहा है, 19 मिनट तक आपका स्पिन चलेगा, क्लियर।